फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शहर के पुलिस स्टेशन में दो बंदों को अरेस्ट किए गए रात में। सुबह उनके रिश्तेदारों ने कहा कि भाई आपने अरेस्ट किए तो किस मद में अरेस्ट किए, हमें तफसील दी जाए। तो 151-3 में उन्होंने दाखिल किए। 151-3 कोई जुर्म नहीं, लेकिन ये कि एहतियाती तदाबीर है। आमतौर पर पुलिस कई प्रॉब्लम होता है, लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन खराब होता है, तो ऐसे टाइम एहतियाती तदाबीर बोल के 15 दिन तक 151-3 में जेल में रखा जाता है। एक तरह का जैसा घर में कैद कर देते हैं या नज़रबंद करते हैं, उस किस्म की प्रोविज़न है। लेकिन दरअसल इस प्रोविज़न का पुलिस ने गलत इस्तेमाल किया है, एक तरह का नफसियाती दबाव डालने के लिए, ताकि लोग डर जाए, मीटिंग ना करें। मौलाना को जो गिरफ्तार किया गया है, उस वक्त जो गलत हरकतें हुई हैं, कुरान शरीफ की बेहरमती हुई या जो भी बताए उन्होंने, उस ताल्लुक से पता चला तो मीटिंग से हुई थी। अब जाहिर है जब उठाए और पूरे भारत में बैकवक्त PDI के ऊपर रेड डाली गई, ED की, NIA की, जैसे कोई ये बहुत बड़े वो है, जैसे किसी ज़माने में जमात इस्लामी पे रेड डाली जाती थी, या सीमी के वक्त देखिए आप, सीमी के ऊपर वैसे दाखिल किया गया है कि इसे बंद करना चाहिए। बाद में जब सीमी की तफ्तीश हुई, दिल्ली की अदालत ने 262 पेज का फैसला दिया और कहा कि हुकूमत सीमी के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर पाबंदी आयद की जाए। फैसला आने के बाद में सीमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने मैटर पेंडिंग करके रखे और आज भी सीमी मुश्तबा है। तो ये जो ऐसे सियासी पार्टी में उभर रहे हैं या जिनका मज़हब से ताल्लुक है उभरते हैं, तो एक तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया गया है। अभी फ़िलहाल के ये 8-9 साल में जो दौर था, उस वक्त ये PDF हो गए, SDPI और ऐसे 2-4-5 जो है दूसरे, ये काफ़ी ख़िलाफ़ बोल रहे थे। कांग्रेस चूँकि बदहाल है, अपने हाल में परेशान है, ये नहीं नहीं आ रहे थे, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, एक तरह के दबाव डालने के लिए किया गया। अब यहाँ पर जो मीटिंग हो गई, तो ठीक है भाई, एक आदमी को पकड़ा गया, आदमी राइट, हर तरह के जो कानूनी इख्तियार दिए गए हैं, राइट टू लीव, राइट टू स्पीक, उसके तहत अगर मीटिंग भी की, तो ऐसी कोई गैर कानूनी की चीज़ नहीं की गई थी, जो बातें बताई गई है उसके ऊपर एक मीटिंग थी। तो ये मीटिंग भी नहीं होना, इस तरह से दबाव डालने के लिए पुलिस ने 151 की। ग्राउंड्स नहीं थे, लेकिन अदालतें भी देखती है कि भाई ठीक है, 15 दिन मांगे, चलो 2 दिन रहेंगे, वो हो जाएगा बोल। अब सच पूछो तो जो मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग तो हो चुकी थी, अभी क्या बचा है, रोज़ रोज़ थोड़ी मीटिंग हो रही है। लेकिन एक तरह की तहरीक ना बने और आवाम में ज़्यादा बेजारी ना हो, वो कुछ चलने के लिए पुलिस ने संजय 151 किया। और जो भी बता रहे हैं पुणे के कमिश्नर ने और दूसरे बताया कि जो बताया जा रहा था कि SDPI में बोले गए कि पाकिस्तान जिंदाबाद वगैरह, ये सिर्फ जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है इनकी बोगस, या जो IT का देखेंगे आप, गोदी मीडिया के चलता है कि भाई तोल मारो के पेश किया जाता, गलत बताते, सब वही कह रहे हैं। दरअसल ये तंजीमों के ऊपर दबाव आना नफसियाती तौर पर आदमी दूर है ना, 14 नंबर 12 नंबर के वाक्य देखिए, आज कुछ नहीं उस मामले में, आज भी हम ये बोलते हैं, लेकिन आज 10 महीने से आदमी है। उस वक्त जो पुलिस ने दबाव कायम की है, तो इस तरह के ये ऐसा कुछ ना करे, इस तरह के 151 की है। लेकिन मेरा अदालत ने कम वक्त दिया, अगर 2-4-5 दिन का, हम तो जहनी तौर पे तैयार हो चुके थे कि 5-7 दिन अदालत 151 देंगे, फिर उसके ऊपर हम अपील करेंगे। लेकिन मेरा अदालत ने एक मुतवाजन फैसला दे के समझो दोनों के हाथ में लड्डू दे दिए, तुम भी कुछ और माहौल बच जाएगा, तो इसलिए हम उसके ऊपर अपील भी नहीं कर सकते। फिर भी हम जो फैसला हुआ है बारीक बिनी से उसका मुताला करेंगे और हम वैसा तो उसके ऊपर दाखिल करेंगे। इससे कबल भी बहुत पहले बुलंद इकबाल को भी 151 में लाया गया था, इसे 7-8 दिन का ऑर्डर दिया था कोर्ट ने, जब भी हमने अपील फाइल किए थे और बाद में ऑर्डर रद्द किया था कोर्ट ने। हमने कहा छूट गया, छूटना है नहीं, लेकिन जिन इल्ज़ाम के ऊपर लगाया गया था वो इल्ज़ाम अपनी जगह पर जो वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये भी हम इंशाल्लाह मुताला करेंगे, और अगर ऐसी कुछ चीज़ मिलती है तो 48 घंटे में छूट भी जाएंगे।
तो भी करेंगे, क्योंकि 48 घंटे तो हो सकता है, मुझे शक है कि 48 घंटे के बाद में ये दोबारा बढ़ाने के लिए भी अर्जी दे सकते हैं। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1) में कि अगर कोई जुल्म और नाइंसाफी होती है या कोई नज़रिए के हिसाब से कोई चीज़ गलत रही है उसके खिलाफ अगर बोलने की बात आए या उसके खिलाफ कोई स्टिकर लगाने की बात हो या बैनर लगाने की बात हो तो ये हमारा राइट है। मगर मालेगांव शहर के ऐसे हालात हो गए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दूर की बात हो गई, अब तो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सोचने पे भी पुलिस चाहती है कि पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि PFI का जो मामला हुआ उसके बाद मालेगांव में कोई भी आंदोलन कोई भी तहरीक मेरी मालूमात में कहीं से नहीं चली। उसके बाद ये बोलना कि कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग करना चाहते हैं, ये बात अपनी जगह है कि सही और गलत का फैसला करने के लिए आदमी सोच सकता है और वो सोच भी रहा था। मैं भी एक सियासी पार्टी का आदमी हूँ, एक सियासी पार्टी का वर्कर हूँ, अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ बोलने का मुझे भी हक है। मगर ये बदकिस्मती हो गई है हमारे शहर की कि हमारे शहर की लीडरशिप इतनी कमज़ोर हो गई है कि किसी के अंदर अब बोलने की हिम्मत तो दूर, सोचने की भी हिम्मत पुलिस चाहती है कि ना रहे। और ये उसी का नतीजा था कि मौलाना इरफान दौलत नदवी और सादैन, जो कि मेरे वार्ड इस्लामपुरे का लड़का है, ये पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। पुलिस अगर कोई कार्रवाई करना भी है या पुलिस को लगता है कि कोई चीज़ गलत हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज़ की अपनी एक हद और लिमिट बांधी हुई है। किसी के घर रात में 4-5 बजे पढ़े लिखे फैमिली में जाना, इस्लामपुरे जैसे हिस्से में 4-5 बजे जाकर वहाँ से किसी को अरेस्ट करना, ये मुनासिब बात नहीं लगती। अगर पुलिस को कोई कार्रवाई करना भी है तो दिन के अवकात में बुला सकती है, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं हैं कि कोई क्रिमिनल लोग हैं या कोई इनसे माजी में ऐसी कोई चीज़ें हुई है जिसको हम क्रिमिनल की कैटेगरी में रखें। जब लोग ऐसे नहीं हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, तो उनको बुलाया जा सकता है। मगर इस तरह रात में जाना, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई इस शहर में बंद करे। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार पुलिस को दिया है वही अधिकार आम आदमी के पास भी है। अगर आम आदमी के पास वो अधिकार है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं तो पुलिस को भी अपनी हद में कार्रवाई करने का राइट रहना चाहिए कि वो किस तरह से कार्रवाई करे, कब करे। रात में इस तरह की कार्रवाई से शहर में दहशत फैलेंगी और शहर का माहौल पुलिस की वजह से ख़राब होगा। हम आज मुझे खुशी है कि हम लोग यहाँ कोर्ट में मौजूद थे और अदालत ने जो फैसला करी वो मुनासिब फैसला है कि नज़रबंद करी 48 घंटे के लिए। हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि हम कानून का राज चाहते हैं, कानून जो तरीके से कार्रवाई करेंगे हम उसका राज चाहते हैं, हम पुलिस का राज नहीं चाहते। मगर कुछ एजेंसियां कानून के दायरे में गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करती है, हम उसके खिलाफ रहते हैं। हम आज के फैसले को मुनासिब फैसला मानते हैं और हमें खुशी है कि हम आज भी हिंदुस्तान में कानून के साथ रह रहे हैं और कानून पर जो हमको भरोसा है कहीं ना कहीं अदालती निज़ाम उस पर एतमाद हमारा बहाल करता है। कुछ वक्त ऐसा होता है जैसे 12 नवंबर के मामले में कि अदालती निज़ाम सुस्त हो जाता है, मगर सुस्त होने का ये मतलब नहीं होता कि कानून पे से एतमाद ख़त्म होगा। कानून पे आज भी हमारा एतमाद है और आज का जो ये फैसला इनका 151(3) का निम्से साहब की कोर्ट और पाठक साहब की कोर्ट ने किए, इससे कानून पे हमारा भरोसा और बढ़ा है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज हमेशा सच के साथ।